किसी शहर में एक अमीर सेठ रहता था। उसके पास बहुत पैसा था। वह बहुत सी फैक्ट्रियों का मालिक था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सब टेस्ट करवा लिए पर कुछ भी नहीं निकला। पर ना जाने क्यों उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रात हुई, नींद की गोलियां भी खा ली पर ना नींद आने को तैयार और ना ही बेचैनी कम होने का नाम ले। वो रात को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ा सा सुकून मिलेगा, तो वह बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान की वजह से वो एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी शांति मिली तो वह आराम के लिए कुछ देर वहीं बैठा रहा। इतने में एक कुत्ता वहां आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर उस कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही बनी झुग्गी झोपड़ियों में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को करीब आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। सेठ ने राहत की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह और करीब गया तो एक झोपड़ी में से आवाज आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहां एक औरत फटे हाल मैली सी चादर पर दीवार से सटकर रो रही है और ये बोल रही है, हे भगवान मेरी मदद कर, और रोती जा रही है। सेठ के मन में आया कि यहां से चला जाऊं, कहीं कोई गलत ना सोच ले। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में ख्याल आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको तकलीफ क्या है। और उसने अपने दिल की सुनी और वहां जाकर दरवाजा खटखटाया। उस औरत ने दरवाजा खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, बहन तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। उस औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही फटी चादर में लिपटी हुई उसकी 7 से 8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा और मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे हमारा पेट पालती हूँ, मैं कैसे इलाज कराऊ इसका। सेठ ने कहा, तो किसी से मदद मांग लो, ऐसे रोने से क्या होगा। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मदद मांग कर देख लिया, इलाज में खर्चा बहुत है, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं। सेठ ने फिर कहा, तो ऐसे रात को रोने से पैसे मिल जाएंगे क्या। औरत बोली, कल एक संत यहां से गुजर रहे थे, मैंने उनको मेरी समस्या बताई तो उन्होंने कहा, बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से प्रार्थना करो, बोरी बिछाकर बैठ जाओ और रो गिड़गिड़ा के उससे मदद मांगो, वो सबकी सुनता है तो तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। इतना कह वो औरत जोर जोर से रोने लगी। ये सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उस बच्ची का इलाज करवाया। उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और साथ ही उसकी बेटी की पढ़ाई का जिम्मा भी ले लिया। वो सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। वह ये सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच ले गई, क्या यही ईश्वर है, और यदि यह ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है, क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी, बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे जरिया बनाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्मों के साथ साथ सेवा भी कितनी जरूरी है क्योंकि इतना सुकून उसे जीवन में पहले कभी नहीं मिला था। यदि आप ईश्वर की कृपा व रहमत पाना चाहते हो तो इंसानियत अपना लो और जहां तक संभव हो मदद करो उन लोगों की जो लाचार व बेबस है, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।